जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक विकास भवन में सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके संबंध में किन्नर एकता ने बताया कि जनपद में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनाने के लिए कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, जिससे हम लोगों के गुरुजी के सहयोग से 17 टीजी कार्ड विभाग में अप्लाई कर दिया है। टीजी कार्ड बन जाने के बाद ट्रांसजेंडर को पहचान मिल जाएगी। उस पहचान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे जुड़कर वह लाभ ले सकेंगे, चाहे अपने लिए रोजगार पाने के लिए इस कार्ड के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलेगा। यह कार्ड उनको पहचान देगा कि वह ट्रांसजेंडर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर एकता एवं किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी और सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, ट्रांसजेंडर कल्याण के संदर्भ में जनता स्तर पर गठित समिति की बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैलेंडर तैयार की गई थी, उसमें ये दिया गया था कि ऑनलाइन जो आवेदन हो रहे हैं ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए, वो 6 महीने के अंदर जारी कर दिए जाए। उसी उद्देश्य की जो कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड राज्य स्तर की जो है उसकी ये सदस्य हैं, इनका भी हम लोग इसमें स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें इस समय आप लोगों को 17 नाम जो है वो आप लोगों के सामने भरे जा रहे हैं, और आप लोग अगर उससे सहमत हैं, अगर किसी भी कोई आपत्ति है तो आप लोग उसकी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से भी जाँच करने का ऑप्शन, और नहीं तो फिर ऑनलाइन जो पास किया गया है उसको। फातिमा हुसैन ये भी सर ये जनरल समिति की सदस्य हैं। पवन कुमार श्रीवास्तव जे जे पवन कुमार श्रीवास्तव लास्ट टाइम हम लोगों ने सुझाव भी दिया था, और मैं पिछले कमेटी की सत्यापन के बाद ही उसका टाइप पीजी कार्ड जनरेट किया जाए। इस बात को हमेशा रखा जाए, अच्छा तक मुलाकात हो जाए और इसके बाद में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी करना, तो ये चीज़ को हमेशा रखा जाए। मिल्टन सत्यापन की बात तब आएगी जब ये इस आशय का वो एफिडेविट दिया जाएगा कि हमने अपने को नारी में परिवर्तित किया, नारी को में परिवर्तित किया और ऑपरेशन किया, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र इशू करने के लिए आवेदन किया था। तो इसमें ये सीधे जो प्रावधान है शासनादेश में उसके अनुसार उस एफिडेविट को हम पर्याप्त मानते थे पहचान प्रमाण पत्र। इसी के लिए मीटिंग भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था बहुत समय से एक दूसरे बहुत काम कर रही है, हमें कभी भी कभी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हम नमस्कार, मैं बताना चाहूँगी हमारे गुरु जी के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जनपद गोरखपुर में, और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए माता जी ने एक टेक्निकल पर्सन को बिठाया और हम लोगों ने उनके माध्यम से टीजी कार्ड अप्लाई किए। किन्नर समुदाय के लिए अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि उनके टीजी कार्ड कैसे अप्लाई किया जाए, लेकिन इनके प्रयास से 17 टीजी कार्ड अप्लाई हो गए हैं और जो आज यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये इनका टीजी कार्ड बन जाने के बाद में ट्रांसजेंडर को एक पहचान मिल जाएगी, जिस पहचान के माध्यम से अब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं स्माइल पोर्टल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उससे वो जुड़ के उनका लाभ ले सकेंगे। जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं वो आरक्षण पाने की योजना का मामला हो, या उनको कोई अपने लिए रोज़गार करने की जैसी चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ों को पाने के लिए वो इस कार्ड के माध्यम से उनको वो सपोर्ट करेगा। उनके जेंडर की पहचान के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये उनकी भी प्रमाण करेगा कि वो ट्रांसजेंडर हैं, और वो उनके मूल आधार कार्ड के साथ में लिंक रहेगा, जिससे कि उनके जो मूल आधार है या उनकी जो वास्तविक पहचान है उसको वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसको एक सपोर्ट देगा कि इस कार्ड के माध्यम से वो ट्रांसजेंडर पहचान के साथ जीने वाला व्यक्ति है। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ योजनाएँ हो रही हैं। शुभकामना दिया जाए। महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारी पिछली मीटिंग असीम अरुण जी के साथ हुई है, लखनऊ में बैठक हुई है, उसके बाद
लखनऊ के बाद गोरखपुर में विकास भवन में सीडियो के साथ मीटिंग हुई हमारी, जो भी कमियां बेसियां हैं उनके बारे में बात की है हम लोगों ने। और अभी समझने में भी टाइम लगेगी क्योंकि हर जगह काम चालू हो चुकी है, दिल्ली, नोएडा, हर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हैं सब जगह का बोर्ड काम कर रही है, सिर्फ हमारे गोरखपुर जनपद में अभी तक काम नहीं हुई है। जैसे कि हमारे गोरखपुर में एकता संस्था है, वो भी बहुत दिखने से 100% बहुत सा काम कर चुकी है, उनको कोई बजट नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो की हैं। अभी उनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स ही है, कुछ कागज़ की कुछ मतलब जो भी, उसके बाद से फिर अभी उसी की बैठक भी हो गई है। और जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हमें उस विभाग के लिए हमें देखने के लिए मुझे सौंपा गया, और भी जो भी देविका है उनको भी सौंपा गया है एजुकेशन के लिए। तो एकता जी जो है तो अपने सांसद चला रही है, हमारे शिष्य भी हैं, अच्छा ही चल रही है, आगे चल के तो देखे क्या होता है, लेकिन महाराज जी ने तो सब कुछ कर ही दिए। अब जो अधिकारी पदाधिकारी के हाथ में है ये जल्दीबाजी करे तो महाराज जी का शहर जैसे शोभा बढ़ते जा रहे और भी बढ़ जाएगी, किन्नरों की थर्ड जेंडरों की तरफ से भी बढ़ जाएगी। मैं तो ये मनोकामना मेरी यही है, दुआ में यही करती हूँ। आज ये बैठक जो हमारे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है उसके संबंध में आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में विस्तृत हम लोगों ने डिस्कशन किया। और जो ट्रांसजेंडर कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है उसमें 17 आवेदन आए थे, उनके संबंध में भी उनको जारी करने के लिए यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो इश्यूज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं वो आप सभी के माध्यम से मैं जो है जनता से यह अपील भी करूँगा कि उन लोगों को डिफरेंट ना समझते हो, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, उनको हर किसी तरीके से इक्वल रहने का अधिकार है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी मन में द्वेष भावना रखना उचित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम मनुष्य हैं, उसके बाद रिलीजन, धर्म, ये सब बाद में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन सभी को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसा हम और लोगों को ट्रीट करते हैं।